नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। वही लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत नजर आए हैं। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कह डाली। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शहर के गढ़ी मिदनिया स्थित गोल्डन मैरिज लॉन पहुंचे, जहां राकेश टिकैत के साथ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई संगठनों के लोग मौजूद दिखाई दिए। इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान यह कहा कि पूरे देश और दुनिया में बनबीरपुर हिंसा जैसी खतरनाक घटना नहीं हो सकती। पीड़ित पक्ष को अब तक न्याय नहीं मिला है, जहां हिंसा के दौरान घायलों को तय किया गया मुआवजा, यह भी उनका कहना था। वो पूरे देश और दुनिया में उससे खतरनाक घटना नहीं हो सकती। पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके घायलों के मुआवजे का सवाल है जो उस टाइम पर तय हुआ था, पीड़ित पक्ष का नौकरी का सवाल है, कुछ लोग जेलों में हमारे बंद करे किसान, उनका सवाल है, ये सारे हमारे सवाल है। अजय टेनी की बर्खास्तगी नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है, और जब तक अजय टेनी बर्खास्त नहीं होगा, इस पूरे जो प्रकरण है, जो लखीमपुर खीरी की घटना है, उसको प्रभावित करता रहेगा, ये हमारे सारे सवाल हैं। हम यहाँ पीड़ित पक्ष से मिलेंगे, यहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे। पिछली बार भी मुलाकात आपने की थी, क्या लगता है कुछ उसका असर अभी तक नहीं दिखाई? अभी असर दिखाई नहीं दिया। पहली बार मुलाकात हुई थी, इलेक्शन से पहले वो मुलाकात थी, और जब लखनऊ में भी हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद में हम ये कार्रवाई करेंगे। अब इलेक्शन हो गया, अब कोई आचार संहिता नहीं है, अब कार्रवाई करें। बुलडोजर कब अजय टेनी के घर पे चलेगा, देखने वाली बात ये है। 120B का मुलजिम केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहेगा तो उम्मीद है कि देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। पीड़ित पक्ष को नौकरी, जेल में बंद किसान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी पर सवाल खड़े किए। राकेश टिकैत ने कहा कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं होते, तब तक लखीमपुर खीरी में हुई घटना के प्रकरण को प्रभावित करता रहेगा, इसके लिए अधिकारियों से मिलकर बातचीत की जाएगी। देखें यह रिपोर्ट। R9 भारत के लिए अशोक शुक्ला, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।